वेलकम बैक इन ए न्यू वीडियो। भाई अभी हमारे पास है ये आर्मरेस्ट जो है नए वाली ब्रेजा के लिए, यानी ब्रेजा 2022 के बाद जो गाड़ी आ रही है उस वाली के लिए है ये प्रॉपर वुडन आर्मरेस्ट। तो एक बार आपको इसको पूरा दिखाते हैं इस वीडियो में, और फिटिंग वीडियो भी इसकी आपको जल्दी ही मिलेगी चैनल पे। देखिए ये है प्रॉपर ब्रेजा के लिए, और साइज आप इसका देख सकते हैं अच्छा खासा है। आप यूं हाथ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना चौड़ा साइज है। तो एकदम प्रॉपर मतलब ड्राइवर साइड पैसेंजर साइड जो दोनों लोग बैठे हुए हैं आराम से इसको दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छी खासी इसके अंदर फोम डली होती है, आप देखिए कुछ इतनी चौड़ाई है, इससे भी ज्यादा मतलब 3 के उंगली के बराबर ही कह सकते हो। और काफी बढ़िया क्वालिटी की जो है फोम वो इसके अंदर ऐसे होती है, तो ये आराम से यहाँ पे काफी कंफर्टेबल जो है वो फील होगा। नीचे इसके अंदर यहाँ पे लगा होगा पूरा कारपेट, और यहाँ होगा इसमें कुछ स्पेस सामान वगैरह रखने के लिए, तो जिसके अंदर आप देखिए ऐसे मोबाइल या पर्स वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अंदर जो अंदर का स्पेस है वो हर गाड़ी का अलग अलग होता है, जो नीचे के जो सेंटर कंसोल है उसके साइज के हिसाब से बनाना पड़ता है। तो इसके अंदर कुछ आपका इतना स्पेस है, आप देख सकते हैं मोबाइल पर्स तो इसमें आराम से आ जाएगा। तो ये हो गया इसके अंदर का। अब आप देखिए इसको साइड से, तो कुछ ऐसा लुक जो है वो आएगा यूं साइड से, और बैक से जो है कुछ ऐसा होगा देखने में। ये पूरा यहाँ से कवर होगा, कुछ भी यहाँ से जो पीछे नहीं है, इसके अंदर जो लोहे का वो लगा होता है इसको जोड़ने के लिए कब्जा टाइप, वो दिखाई नहीं देता है, पूरा का पूरा जो है वो अच्छे से कवर होता है। और इधर से भी आप इसको देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर एकदम फिनिशिंग के साथ होगा। सामने से अगर आप देखें तो हैंड ब्रेक के लिए ये यहाँ पे जगह होती है, ताकि हैंड ब्रेक इसका आराम से इसमें से बाहर आ जाए। नॉर्मली आप अच्छे से हैंड ब्रेक को यूज कर सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, एक दो बार ओड जरूर लगता है अगर आप बिल्कुल नया लगाते हैं तो। और ये जो यहाँ तक का हिस्सा है वो नीचे चला जाएगा सेंटर कंसोल के ऊपर, और आराम से ये फिट हो जाएगा। इसके अंदर आपको स्क्रू लगाने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे कुछ चाइनीज स्क्रू आपको इसके साथ में मिलेंगे, जो आपको घर पे ही आप आराम से लगा सकते हो। यहाँ से हल्का सा इसको प्रेस करना है, ये इसके आर पार हो जाएंगे और हल्का सा नीचे प्लास्टिक में लग जाएंगे। अभी तक हमारा जो एक्सपीरियंस है उसमें 50-60% लोगों को स्क्रू लगाने की जरूरत पड़ी है, वरना ये साइड में तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे फंस जाता है, लेकिन आगे पीछे में थोड़ा सा प्ले जो है वो रहता है। जल्दी इसको लगाने की वीडियो भी आपको मिल जाएगी कि आप इसको लगा कैसे सकते हो, यानी बिना स्क्रू के और स्क्रू के साथ भी, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल देखिए आप कुछ फिनिशिंग जो है वो इसकी ऐसी है, और 50-60% इसमें स्क्रू लगाने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसमें आप देख सकते हैं, जल्दी मिल जाएगी आपको चैनल पे, कि आप इसको बिना स्क्रू के या स्क्रू के लगाते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा। फिलहाल ये है कुछ ऐसा प्रॉपर ब्रेजा के लिए। परचेज लिंक जो है इसका वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। डबल स्टिच वाला जो है ये माल होता है, यहाँ से भी स्टिच है और ये यहाँ से भी है। कुछ ऐसा जो होगा इसका ओवरऑल लुक जो है वो होगा, आप एक बार इसको अच्छे से देख सकते हैं। इसके लगाने की जो वीडियो है, फिटिंग की वीडियो, जल्दी आपको चैनल पे मिल जाएगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।